हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज एक और नए चैलेंज में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज का हमारा चैलेंज है आलू की सब्जी और रोटी, जिसमें कि हमारे पास टोटल 20 रोटी है, 10 मेरे पास है और 10 मेरे पास है। तो देखते हैं आज का चैलेंज का विनर कौन रहेगा और लूजर कौन रहेगा। और दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम ऐसे ही खाने के चैलेंज लेकर आते रहते हैं। और दोस्तों, अगर आपने हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पर फॉलो नहीं किया है तो हमें कर ले, हमें डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। और दोस्तों, आज जो हम दोनों में से आ रहा है उसको मिलेगी सजा, सजा हम आपको बता देते हैं पहले ही। और दोस्तों, उसको खाना पड़ेगा यार गरम मसाला एक पैकेट। तो देखते हैं आज का विनर कौन रहेगा और कौन आज का लूजर रहेगा, किसको मिलेगी आज की सजा, वीडियो को पूरा देखते रहे। तो चलिए दोस्तों, आज का चैलेंज शुरू करते हैं। 3, 2, 1 गो। तो दोस्तों, मुझे लगी है पूरी 8 मिनट 5 सेकंड। और दोस्तों, रोहित हार गया और मैं जीत गया हूँ हार के चैलेंज में। तो दोस्तों, जैसे कि रोहित हार गया और रोहित को मिलेगी क्या सजा। और दोस्तों, सजा मैं आपको बता रहा था, ये रहा गरम मसाला जो कि इसको पूरा पैकेट खाना होगा और मैं गरम हो जाऊंगा। दोस्तों, मैंने पैकेट दिया, फैट दिया है बिल्कुल। और दोस्तों, मैं तो इस हाथ कर देखते आज इसकी सजा का क्या होएगा। तो दोस्तों, मैंने पूरा पैकेट इसको दे दिया है मालिक खान, जैसे कि आप देख सकते हैं। चल भाई, खा खा, पहला पानी दे दो, पानी दे। तो दोस्तों, ये रहा पानी और यह रही इसकी दवा। तो यह खाएगा जब बीमार दवा। नाक में भर रहा चाट से चाट। तो दोस्तों, हारने वालों को तो सजा मिलती है यार। अगर दोस्तों आपको हमारा आज का चैलेंज अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को ये रहा सब्सक्राइब कर ले और एक लाइक कर दीजिए। और दोस्तों, रोहित ने अपना हाथ भी चाट दिया है। तो हमारा चैलेंज अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपको हमारा क्या अच्छा लगा है। और दोस्तों, अगर आपको अगर नेक्स्ट वीडियो हमें क्या बनानी है तो आप हमें बता सकते हैं कि चैलेंज मतलब कि अगला हमें क्या चैलेंज करना चाहिए।
तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। तो थैंक यू आपको हमारी आप वीडियो पूरी देखने के लिए। तो राम राम जी।